अभी मैं अपनी आईज क्लोज करके देखती हूँ कि कौन सा फेस पैक आज मुझे लगाना है। जो हाथ में आएगा मैं वही लगाऊंगी। हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल अनकट लाइफ। ये ज्योति, मैं ज्योति आप सभी का वॉर्म वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक बड़ा ही प्यारा सा क्लीन अप, जो कि मैं सिर्फ घर के ही प्रोडक्ट से, सॉरी मतलब घर के DIY प्रोडक्ट से नहीं, जो मैंने परचेज़ किए हुए थे, जो प्रोडक्ट मेरे पास रखे थे, मुझे लगा कि हर बार मैं DIY हैक्स ही करूँगी तो मेरे ये प्रोडक्ट ख़राब हो जाएंगे, तो मुझे इनका यूज़ करना चाहिए। तो इसलिए मैंने उन प्रोडक्ट का यूज़ करी हूँ। वो प्रोडक्ट कौन से हैं वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये जो आपने वीडियो देखा हो ना, पहले वाला, पहले से पहले वाला, तो मैंने ये बॉक्स बनाना बताया था आपको। ये फैब्रिक से बनाया है, कपड़े से बनाया है, और ये नायका का खाली कार्डबोर्ड बॉक्स था। मैंने इसका यूज़ कर लिया, इसको यूटिलाइज कर लिया, और इससे ये एक बड़ा ही प्यारा सा अपना बॉक्स बना लिया। बनाया मैंने ज्वेलरी बॉक्स था, लेकिन इसका यूज़ मैं कर रही हूँ अपने जो प्रोडक्ट है ना, जो भी जैसे सीरम है, स्क्रब है, फेस पैक है, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ इस टाइप के जो प्रोडक्ट हैं वो मैंने रखने के लिए इसके लिए बनाया। और ये बहुत ही अच्छा सा है, इसके अंदर देखिए इतने प्रोडक्ट हैं। और चलिए आज इन प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं और देखते हैं कि कितने लाइक्स मुझे इस वीडियो पे मिलते हैं। यार आप लोग प्यार बहुत कम करते हो, मुझे बहुत ज़्यादा कम करते हो। वीडियोस में मैं बहुत मेहनत करती हूँ, एंड यू कांट बिलीव दैट कि मेरी तबीयत ख़राब थी और अभी भी है, इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं डाला, आज वीडियो डाल रही हूँ। लेकिन आप लोग प्यार नहीं दिखाते, अपना लाइक कर दिया करिए यार एटलीस्ट। तो चलिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत बहुत मेहनत होती है, लगता है ऐसा है कि करा क्या है, लेकिन बहुत कुछ करना होता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्लीन अप वाला वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला स्टेप है मेरा अपनी स्किन को क्लीन करना, लेकिन क्लीन करने से पहले मेरे बाल जो हैं खुले खुले हैं, तो मैंने इनको बैंड कर लेती हूँ। बैंड करने के बाद स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिससे कि ये डिस्टर्ब ना करें। ओके, तो अभी ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो अपनी स्किन को क्लीन करना है, लेकिन मैंने अभी अभी बात लिया है तो मुझे ज़रूरत नहीं है क्लीन करने की, लेकिन आप क्लीन ज़रूर कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि क्लीन करने से जितने भी ओपन पोर्स हैं जिनमें डस्ट चली गई है, गंदगी चली गई है, वो सारी क्लीन हो जाएगी। और उसके बाद अपना सेकेंड स्टेप पर आते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, चलिए। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ स्क्रब, और ये है एम कैफीन का कॉफ़ी फेस स्क्रब। एक्चुअली मैं रैंडमली कोई भी पिक करूँगी इसमें से, ऐसा कुछ कोई प्लान करके मैं कोई भी स्क्रब या वो नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली रैंडमली मैं इसमें से निकालूंगी कि आज ये ट्राई करती हूँ और सारा मिक्स मैच करके करूँगी, यानी कि एम कैफीन का फेस स्क्रब या फिर किसी और ब्रांड का कुछ इस तरीके से मैं करूँगी। लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे पास जो प्रोडक्ट हैं वो मेरी स्किन के अकॉर्डिंग ही हैं, तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट रखिएगा, ऐसा नहीं है रैंडमली आप कुछ भी उठा लो। तो ये रैंडमली मैं सिर्फ वो प्रोडक्ट उठा रही हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ, तो मेरे को इसका कोई हार्म नहीं होगा। तो चलिए मैं स्क्रब करती हूँ सबसे पहले। Smell is really good. स्क्रब अगर आप डेली करते हैं तो गलत है, डेली नहीं करना चाहिए, वीक में दो बार आप स्क्रब करिए वो ज़्यादा अच्छा है। स्किन लूज हो जाती है अगर आप बार बार स्क्रब करते हैं, तो ओपन पोर्स हो जाते हैं ज़्यादा, तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी। मैं 15 दिन में एक बार करती हूँ डीप क्लीन जो करती हूँ फेस को, और इस बार मुझे 1 month हो गया पूरा। लास्ट जो मैंने वीडियो अपडेट किया था ना, वो तब का किया हुआ है मैंने, अब देख लीजिए वो वाला वीडियो मैंने कब अपडेट किया था, जिसमें कि मैंने डर्मा सेक्शन का जो प्रोडक्ट यूज़ किया था। वो अच्छा था डर्मा सेक्शन का, जो मैंने पोर क्लीजिंग वाला वो यूज़ किया था ना टूल, वो बहुत अच्छा था, उसके अच्छा मेरे को रिजल्ट दिखा। Light me up with a bright smile on now. Put me in the dark, I won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and found.
5 मिनट हो चुके हैं और आप वीडियो पर मत जाइएगा, वीडियो की टाइमिंग के अकॉर्डिंग मत जाइएगा। तो आफ्टर 5 मिनट मैं अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ। आफ्टर वॉश सी मैं अब ये इधर आपको दिख रहे हैं थोड़ा सा वाइट हेड ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करती हूँ। ये वाला टूल मैं यूज़ करती हूँ जब ज़्यादा मेरे को वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स होते हैं तो ये यूज़ कर लेती हूँ। It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. Us tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. बहुत अच्छा है लेकिन बस इसका एक एक जो मेरे को ठीक नहीं लगता है, इसका ये बुरा लगता है कि इसको कॉटन की नीड होती है, कहीं भी ऐसे स्प्रे नहीं कर सकते। स्प्रे वाला बॉटल अगर इसमें प्लम ने दिया होता तो वो ज़्यादा बेटर था, तो उसके लिए मुझे कॉटन यूज़ करनी पड़ेगी। ओपन पोर्स हैं वो श्रिंग हो जाएं। गुड वाइब्स का ही है ये, और ये है एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लींजिंग फेस मास्क। चलिए इसका यूज़ करते हैं। इसको मैं अपनी उंगली की हेल्प से, इतना ऑलरेडी मैं इसको ख़त्म कर चुकी हूँ, काफ़ी यूज़ किया है मैंने, ये अच्छा है, ये इसका रिजल्ट अच्छा लगा मुझे। गर्मियों में ये बहुत सही है। अभी मैं काली माई बनने वाली हूँ। चलिए मेरा ये ड्राई होता है, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइज आफ्टर वॉश मैंने फेस पैक अपना रिमूव कर लिया और उसके बाद मेरी स्किन आप देख सकते हैं कितनी ब्राइट लग रही है और कितनी लाइट लग रही है। बहुत ही अच्छा सा फील आता है अपनी स्किन को डीप क्लीन करने के बाद। और चलिए इसको मॉइस्चराइज कर लेते हैं, लेकिन मॉइस्चराइज करने से पहले मैं एक बार टोनर ज़रूर दोबारा यूज़ करूँगी। मैं अगेन मैं दो बार टोनर यूज़ करती हूँ। अब स्किन को करते हैं लास्ट स्टेप है मॉइस्चराइजेशन। मॉइस्चराइजेशन के लिए मैं सेटाफिल का, जो हमेशा आप देखते हैं, मैं इसी को यूज़ करती हूँ। तो यही मॉइस्चराइज़र हम यूज़ कर लेंगे। एंड अपनी लिप को भी मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लीन अप करते करते हमारे जो लिप्स हैं वो भी बहुत ड्राई हो जाते हैं, उनका मॉइस्चराइज़र भी चला जाता है। तो यहाँ मैं ये ऑर्गेनिक लिप बाम है ये यूज़ कर रही हूँ। तो आई होप गाइज आपको मेरा आज का ये रैंडमली जो क्लीन अप किया है मैंने वो आपको बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, और क्योंकि ये ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं और आपको कहीं जाना है तो आप इंस्टेंटली इसको कर सकते हैं और उसका रिजल्ट इंस्टेंटली आपको मिल भी जाता है। तो और अगर आपके पास टाइम है और आप आराम से करना चाहते हो तो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगी जो घर के प्रोडक्ट होते हैं, जिनसे आप DIY, जो मैंने आपको बताया, यार पीछे आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में, एक्चुअली मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है, मेरी सिस्टर आई हुई है और उसका बेटा है ये, उसकी आवाज़ आ रही है और उसको मम्मी नहला रही है। तो आप ज़रूर यूज़ करिएगा DIY प्रोडक्ट्स, यूज़ करिएगा स्क्रब, फेस पैक बनाना मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, चावल का मैंने बहुत अच्छा बताया था, जो बहुत ही अच्छा इंस्टेंट वाइटनिंग इफेक्ट देता है, आपकी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।